पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र पूंछ रजौरी जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र पूंछ रजौरी जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू पूंछ रजौरी डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो, सहमत हो? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ति परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया, घाटी में और कश्मीर में, जम्मू में 40,000 लोग मारे गए, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। मैं आज बताकर जाता हूं भाइयों बहनों, मेरी बात ढंग से सुन लेना। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान